का चैनल। आज हम आपको हैदराबादी आलू गोश्त का शोरबा बनाना बताएंगे। उसके लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको हरा धनिया चाहिए, 3 हरी मिर्ची, 4 ऑनियन की डल्ली, अदरक 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2.5 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 5 to 6 टोमेटोज, 2 आलू, थोड़ा सा गोश्त, 1/2 बॉल ऑयल। हमने स्टोव पर कुकर चढ़ा लिया है, अब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अनियन ऐड करेंगे, अब हम उसमें गोश्त ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, मिर्ची ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। हरा धनिया ऐड कर लेना है। अब हम हमें उसमें 1 कप वाटर ऐड करना है और 5 to 6 विजल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है ताकि प्याज टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, प्याज टमाटे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारे 5 to 6 विजल्स हो चुके हैं, अब हम उसके लिए निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे टमाटे गोश्त और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें उसे अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हमें उसमें इमली का खट्टा ऐड करना है। अगर आप खट्टा नहीं खाते हैं तो आप ना भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें उसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करना है। अब हमें उसमें आलू ऐड करना है। अब हमें उसमें हरा धनिया ऐड करना है और हरी मिर्ची ऐड करना है और 2 विजल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। अब हमें उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है ताकि आलू फीके ना लगे। अच्छे से मिक्स कर 2 विजल्स के लिए प्रेशर कुक कर लेना है। टू विजल्स हो चुके हैं, अब हम लिड निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा आलू गोश्त का शोरबा रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब हम आपको डिश आउट करके बताते हैं। आप देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, आप भी ट्राई करें। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे वीडियोस को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।